नमस्कार, मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और आज हम पढ़ेंगे नाइडेरिया। एनिमल किंगडम चल रहा है जिसे तुम्हें बहुत डर लगता है, तो मैं कोशिश करूंगी एनिमल किंगडम की सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे लर्न करा दूँ। पॉरीफेरा का हल्का सा पार्ट बच गया है, वो हम कंप्लीट करेंगे और फिर नाइडेरिया पे चलेंगे। मैं पिछले 9 सालों से नीट की प्रिपरेशन करा रही हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स में, एंड बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ के आज तक मेडिकल कॉलेजेस में जा चुके हैं। अब वो डॉक्टर बन रहे हैं या वो बन गए हैं, एंड आई होप तुम्हें भी मेरी टीचिंग का उतना ही फ़ायदा मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू परस्यू योर ड्रीम्स विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल। दिस चैनल प्रोवाइड्स यू लाइव क्लासेस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऑल्सो वी प्रोवाइड यू विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अनअकैडमी प्लस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। प्लस ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं बच्चों के लिए है जो नीट के प्रति इस वक्त बहुत सीरियस चल रहे हैं। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के 40 से अधिक बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उनमें से बहुत नामी गिरामी नाम भी हैं, जैसे DC पांडे सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। मेरा पूरा बायोलॉजी का कोर्स वहाँ पे रहेगा, जूलॉजी, बॉटनी, +1 +2, जिसे ना सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपको लर्न कराऊँगी, आपके दिमाग में NCERT की एक एक लाइन बिठाऊँगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगी, सो दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर नीट। सो मेरा काम ये रहेगा, जो 50% सिलेबस है नीट का बायोलॉजी, वो उसका बोझ तुम्हारे सर से हटा देना कि तुम्हें बायोलॉजी में लगे मैम ये तो आता ही है, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बताओ। ओके, हमारे टेस्ट चलते हैं। जो भी बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, हमारे टेस्ट नहीं, जो भी बच्चा कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा है, अगर आपने मॉक टेस्ट देने शुरू नहीं किए हैं 720 मार्क्स वाले, अगर आपने मॉक टेस्ट देने शुरू नहीं किए हैं 720 मार्क्स वाले, तो बेटा देना शुरू कर दो। यदि तुम अपनी तैयारी के लिए सीरियस हो तो टेस्ट आने चाहिए। अब नवंबर दिसंबर में 720 का एक टेस्ट तुमको एक हफ्ते में देना है। अनअकैडमी तुमको यही चीज़ प्रोवाइड कर रही है। +1 का अलग टेस्ट सीरीज चलेगा, +2 का अलग और ड्रॉपर्स का अलग। तुम्हें तुम्हारी लेवल पता होना चाहिए, या हम कॉमन भाषा में बोले तो हमको हमारी औकात पता होनी चाहिए। हमको ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हम वहाँ से ऊपर राइज नहीं कर पाएंगे। सो अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू विद दिस टेस्ट सीरीज स्पेशली सो दैट यू कैन नो द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड आप अपने टीचर से डिस्कस कर सको। कोई भी दिक्कत आएगी कि मैम ये नहीं समझ में आया, या इस बार इसमें मार्क्स कम आया, हर संडे आपको ये टेस्ट दिए जाते हैं। तो इतने सारे टीचर्स का टीचिंग, इंक्लूडिंग मेरा भी, और प्लस ये पूरा टेस्ट सीरीज, पूरा क्विज, ये आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलता है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, जो कि एज लिटिल एज, अगर आप मान लीजिए 6 महीने का भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नीट 2020 6 महीने बाद है, सो सिर्फ 21,600 रुपये में आपको सभी टीचर्स का पूरा कंप्लीट कोर्स, उसमें मेरा भी पूरा कोर्स होगा, प्लस क्विजेज, प्लस टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू गेट। एंड ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स नवंबर 20 या उसे थोड़ा ज़्यादा, मे बी नवंबर थोड़ा 25 तक खिसक जाए क्रैश कोर्स। उसमें मैं बहुत कम टाइम में तुमको पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कराऊंगी विद क्वेश्चंस। सो वो क्रैश कोर्स अगर आप मिस ना करें तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल आपके लिए स्टेप हो सकता है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल कर देंगे। फ्रंट पेज बेटा इस तरीके से खुलेगा, देन यू गो टू प्लस ऑप्शन नीचे की साइड। फिर उसके बाद बेटा बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तुमको नीट एंड एम्स के ऑप्शन पे जाना है, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए समय चूज करना है। जो अभी नीट का एस्पिरेंट है 2020 का, वो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेगा। जो 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी +1 में हैं, +1 ख़त्म करने वाले हैं, या जो 10th में हैं, वो +1 से मतलब पढ़ाई चालू करना चाहते हैं अभी से, वो दे विल टेक 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 2 ईयर उन बच्चों के लिए बेटर है, बिकॉज 2 ईयर सस्ता पड़ता है पर मंथ के हिसाब से। 6 मंथ्स का कोर्स आपका 24,000 का रहता है बेटा, 1 ईयर का कोर्स आपका 30,000 का रहता है, और 2 ईयर्स का कोर्स 48,000 का होता है। जब भी आप
कोर्स लेने का मन बना लें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ नवंबर से पहले पहले आप मन बना लें, क्योंकि एक बार क्रैश कोर्स शुरू हो गया तो तुम क्रैश कोर्स वाला मिस कर दोगे, क्योंकि मैं उसके बाद बच्चे नहीं लूँगी एक बार जब मैं क्रैश कोर्स शुरू कर दूँगी। तो जब भी तुम्हारा मन बने, इनको फीस को कम करने का एक और छोटा सा तरीका है मेरे पास। यू पुट अ कोड, आप ये कोड डालेंगे तो आपकी फीस और कम हो जाएगी। रितु लाइव करके कोड है बेटा, जैसे आप मान लीजिए 1 ईयर वाले पे क्लिक करते हैं तो 1 ईयर वाले पे 30,000 फीस है। रितु लाइव डालते ही मेरी तरफ से तुमको 10% ऑफ मिलता है तुम्हारी फीस पे। उसके साथ ही तुम्हें मेरे नोट्स मिलते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत तुम्हारा काम आसान कर देंगे लर्न करने के लिए। प्लस तुम्हें मेरे क्रैश कोर्स में सीट मिलती है। सो एक बार यदि तुम मुझसे पढ़ना शुरू करते हो अनअकैडमी प्लस पे, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें बायोलॉजी कवर कराना, और जिनसे भी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे उनकी जिम्मेदारी होगी वो कवर कराना। सो तुम्हारे दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। 30,000 सिर्फ 27,000 रुपये में हो जाएगा। अगर 6 महीने वाले की बात करें, जो तुम्हारे लिए अभी ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शन है बेटा, तो वो 21,600 में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमें पॉरीफेरा का थोड़ा सा पार्ट करना था। हेलो बच्चों, जितने भी बच्चे आए हैं, नमस्कार, सलाम, थैंक यू, आप लोग क्लास में आए। आई होप ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे अंशुराज हम लोग, ठीक है। कभी कभी उससे भी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। चलिए आओ थोड़ा फास्ट करेंगे आज, ताकि नाइडेरिया खत्म कर सकें। पहले पॉरीफेरा एंड करते हैं। पॉरीफेरा अभी हम खत्म नहीं कर पाए थे। पॉरीफेरा के बारे में अब तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है पिछले क्लास से। जिन बच्चों ने पिछला क्लास नहीं लगाया, चिंता मत करो, वो अभी अवेलेबल है, तुम इजीली लगा सकते हो, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ठीक है। पॉरीफेरा एनिमल्स की सबसे पुराने एनिमल्स हैं, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। और कैसे एनिमल्स हैं? प्लांट्स जैसे एनिमल्स हैं, एक जगह से जाके खड़े हो जाते हैं और उनके अंदर पानी घुसता रहता है। ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। पॉरीफेरा मतलब पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। पूरी बॉडी में उनके छेद थे और एक सिर के ऊपर बहुत बड़ा छेद था, है ना। जो छोटे वाले छेद थे उनको ऑस्टिया कहा हुआ था, याद है पिछली बार पढ़ाया था, इस तरीके से था ना। जो छोटे वाले छेद थे उनको ऑस्टिया कहा हुआ था। पानी इनके अंदर से घुसता है बेटा जी, और ये जो बड़े वाला छेद है उसको ऑस्कुलम कहा था, पानी यहाँ से बाहर निकलता है। ये वाली बात हो गई थी। सब के सब ये पानी में रहते हैं, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव वाले जो है वो पानी में ही बने थे और वो पानी में ही रहेंगे। मोस्टली मरीन होते हैं ये, एक आधा फ्रेश वाटर होता है। कौन सा फ्रेश वाटर होता है आज मैं तुम्हें उसका एग्जांपल दे दूंगी। पूरा पॉरीफेरा मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ एक दो बातें पॉरीफेरा की रहती है, जैसे कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सी जर्म लेयर है, कौन सी बॉडी सिमेट्री है। अब इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है कहाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जो क्लास लगाई थी हमने। दो क्लासेस लगाई थी ना, और मैंने कहा था पूरा एनिमल किंगडम उन दो क्लासेस पे बेस्ड है। सो जो भी बच्चा सीरियसली मेरी क्लासेस फॉलो कर रहा है, वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को भी सीरियसली फॉलो करेगा, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जो भी बच्चे ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं लगाया अभी तक, जाके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लगा लेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा कर रही हूँ बेटा जी, आइए। पॉरीफेरा का सिमेट्री क्या रहता है, कैसी सिमेट्री है? तीन प्रकार की सिमेट्री होती है हमारे पास। एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री ही नहीं है, या रेडियली सिमेट्रिकल, जो गोल होते हैं ऊपर से देखने पे, वो देर राउंड, ठीक है, या फिर बायलेटरली सिमेट्रिकल, जो लंबे होते हैं रॉड की तरह, चाहे वो सीधी खड़ी हुई रॉड हो जैसे कि ह्यूमंस है, या वो इस तरीके से रॉड हो जैसे कि स्नेक है। ओके, सो एसिमेट्रिकल। ना सिमेट्री होना ये बहुत बुरी बात है। तो जो बुरी बातें हैं वो जनरली प्रिमिटिव पुरानी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं तो वो तो एडवांस्ड एनिमल्स को मिल गई ना, जो पुरानी बातें हैं वो बुरी बातें हैं। सो सिमेट्री होना ही नहीं सिर्फ एक फाइलम का फीचर है, बाकी सभी फाइलम्स के पास सिमेट्री होगी। तो ये बेचारा अभागा बिना किसी सिमेट्री के है। कैसे बिना सिमेट्री का? मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ। देखिए कहाँ गया, ये एक स्पॉन्ज है, इसका नाम है स्पॉन्जीला। ये एनसीईआरटी में इकलौता फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ज़्यादातर स्पॉन्जेस
मरीन वाटर में है, समुद्र में है, लेकिन कुछ कुछ रिवर्स वगैरह में मिल जाते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये एकमात्र एग्जाम्पल है, इसका कॉमन नाम ही है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्ज तो इसको मैं याद करती थी स्पॉन्जिला, गीला गीला, गीला गीला से याद करती थी। मैं सोचती थी कि मरीन वाटर में तो इतना सारा सॉल्ट होता है तो बंदे को गीला फील ही नहीं होता होगा, तो जो फ्रेश वाटर है उसमें ज़्यादा फ्रेश और गीला गीला फील होता होगा पूरी बॉडी पे जब फ्रेश वाटर में डुबकी मारते हैं। इस तरीके से कुछ अजीब सा तरीका याद करने का, बट स्पॉन्जिला, गीला गीला से मैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज याद कर लेती थी। अभी देखो, दिस इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अभी इसको कोई भी लाइन बीच में से मारो जिससे कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, मार के देखो, हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ऐसे मार लो, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। भैया कहीं से भी काट लो, इसको तुम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर, इसको दो ही हाफ में डिवाइड करने का मतलब है पेड़ को किसी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करके दिखाओ। कैन यू डिवाइड अ ट्री और अ प्लांट इनटू एग्जैक्टली टू इक्वल हाफ? नो, बिकॉज प्लांट्स आर एसिमेट्रिकल। दिस इज ए ट्री, कैन यू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ्स और By any plane? No. So sponges बहुत सारे plants जैसे feature हैं इनके, plants की तरह उगते हैं। Okay. So पहला feature तुमको समझ में आ गया क्या जी? Symmetry, asymmetrical. Then अगर मैं बात करूं body क्या level of organization की बात करना चाहती थी, एक बार रुको, level of ऑर्गेनाइजेशन ये मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ अभी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं लगाई है मैं बता देता हूँ, बता देती हूँ, चार प्रकार का होता है। पहला सेलुलर लेवल, की टिश्यू भी ना बना पाए, फिर वो सेल्स अगर टिश्यू बना लेते हैं जोड़ जोड़ के, एक मिनट बच्चों, आई एम फाइन नाउ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक जिसमें सेल पड़े हैं टिश्यू भी नहीं बन पाया, फिर उनको एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि चलो कम से कम टिश्यू तो बन गया सेल जुड़ जुड़ के, टिश्यू बनने का मतलब है उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल आ गया, ठीक है। फिर टिश्यू से जुड़ जुड़ के ऑर्गन बन गए, फिर एक ऑर्गन लेवल होता है, फिर ऑर्गन से जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बन गए, तो चार लेवल हुआ, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ये सबसे पुराने हैं तो सबसे पुराना वाला लेवल होएगा इनका सेलुलर लेवल, ऑब्वियसली इनको कोई चीज बढ़िया मिली नहीं बेचारों को, ठीक है। अगला बॉडी प्लान, तीन प्रकार का बॉडी प्लान बताया है, रिवीजन करेंगे साथ साथ में, तीन ये हर क्लास में रिवीजन कराऊंगी जब तक याद नहीं होगा। तीन प्रकार का बॉडी प्लान बताया है बच्चों, कौन कौन सा? पहला सबसे एडवांस्ड वाले की बताओ, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, जिनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? एक ओपनिंग माउथ और दूसरा ओपनिंग एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो लिवर वगैरह भी आता है, वो नहीं, जो सिंगल ट्यूब जा रही है ना, पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से ये ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्यूब के दो ओपनिंग है, ऊपर माउथ है, नीचे एनस है, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जिनको, जिनके पास होती है उनको, उनकी बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब, क्योंकि देखो ये पूरी एक बॉडी की ट्यूब है, ठीक है, मेरी एक बॉडी की ट्यूब है ना, ये पूरी ट्यूब लाइक बॉडी है ना हमारी, और उसके अंदर एक और ट्यूब जा रही है, तो इसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब कहते हैं। जो कि कहाँ से आया था, तुम लोग पढ़ चुके हो मेरे साथ, एस्कहेलमिन्थीस से पहली बार आया था। तो एस्कहेलमिन्थीस से पुराने वालों के पास ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं था, उनके पास क्या था? समथिंग कॉल्ड ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्या होता है? जिसमें उनकी एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से खुलती है। ब्लाइंड सैक में क्या था? ये मान लो बॉडी एनिमल की, ये एलिमेंट्री कैनाल है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, हमें लगता है यहाँ पे एनस बनेगा, नहीं, ये यहाँ से बंद हो जाती है, तो खाना यहीं से एंटर करता है और यू नो पॉटी यहीं से बाहर, वेस्ट मटीरियल यहीं से बाहर। सो एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट कंप्लीट। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो नीचे से बंद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कितना गंदा बोलती हूँ रे मैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इनको ऐसे स्ट्रक्चर जो नीचे से बंद होते हैं ना, जिनकी एक ही ओपनिंग होती है, इनको ब्लाइंड सैक बोलते हैं।
सो एस्केल्मिन्थीज से पीछे आ जाओ, प्लैटीहेल्मिन्थीज में ब्लाइंड सैक, फिर नाइडेरिया में ब्लाइंड सैक, टीनोफोरा में ब्लाइंड सैक, इसको ब्लाइंड सैक भी नसीब नहीं हुआ, इसके पास एलिमेंट्री केनाल है ही नहीं, नो एलिमेंट्री केनाल। तो जिनके पास एलिमेंट्री केनाल है ही नहीं, अब ये बेचारा अभागा, क्या बोलते हैं इसको, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, बताया था ना ये, याद रखना ये। चलो आगे, अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं अपन, जर्म लेयर, जर्म लेयर्स के बारे में बात किया था। किसी भी एनिमल का जो बच्चा है, बेबी है, जब वो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में डेवलप हो रहा है, तो वो कुछ भी बनाने से पहले, हाथ पैर बनाने से पहले, वो उसका सारा सेल लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, तीन लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, फिर उन तीन लेयर से हाथ पैर मुंह सब कुछ बन जाता है, तो उन तीन लेयर्स को जर्म लेयर्स कहते हैं, बताया था ना। तो तीन जर्म लेयर जिनके पास होती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, दो जर्म लेयर जिनके पास होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, और जिनके पास जर्म लेयर्स है ही नहीं वो ये अभागा है, ठीक है, नो जर्म लेयर्स, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, नो जर्म लेयर। और कुछ बचा है क्या इसका, एक आधी चीज और बची है, क्या बचा है, क्या बचा है, सीलोम, सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या है, नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्पेस, ठीक है, जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है ना, बैक्टीरिया तुम्हारे दांत में खाली स्पेस बना देता है, वैसे बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर कैविटी है, ठीक है। अभी बॉडी कैविटी कौन सी कैविटी भैया, बॉडी में तो बड़ी कैविटी है, कौन सी की बात कर रहे हो तुम, जो एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है उसको बॉडी कैविटी कहते हैं। क्या इसके पास बॉडी कैविटी है भैया, एलिमेंट्री केनाल ही ना है तुम्हारे पास, बॉडी कैविटी कैसे होगी, सो नो सीलोम। नो सीलोम का थोड़ा साइंटिफिक अच्छा नाम बताओ तो, ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। ये चीजें लर्न होनी चाहिए तुमको, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर फाइलम के साथ भी बताऊंगी, ये लर्न होना चाहिए, इसको नोट डाउन करेंगे बेटा जी, आगे चल रही हूँ। एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस होता है, वेरी गुड क्वेश्चन मोहम्मद हकील। मुझे याद करने दो, मुझे मैंने एक जगह पढ़ा था ये, मेरे ख्याल से ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं, पहले दो महीने की डेवलपमेंट होती है जो, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, दो महीने के बाद जो डेवलपमेंट होती है उसको फीटस बोलते हैं, मतलब जिसमें वो जो स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। आगे चलो, आगे चलो प्यारे बच्चों, चलो अपनी बात खत्म हो गई, अपने को बस एग्जांपल लर्न करने हैं अभी। अच्छा एक और चीज मुझे बतानी थी, मैं बताना भूल गई, इसके अगर की फीचर्स बात करूं मैं, की फीचर्स, वैसे तो इसके बहुत की फीचर्स हैं, पर वो जिन पे मैंने भी हाईलाइट नहीं किया है, जैसे इनका एक की फीचर तो ये कि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, चलो ये भी ठीक है, मैंने जो एक की फीचर हाईलाइट नहीं किया है वो ये कि दे डोंट हैव न्यूरॉन्स। न्यूरॉन होना यार, न्यूरॉन का मतलब समझते हो, तुम्हें कोई टच करता है तो तुम्हें फील होता है, क्यों होता है, न्यूरॉन की वजह से फील होता है, ठीक है, तुम देख सकते हो, क्यों, न्यूरॉन की वजह से, ठीक है, सेंस करने की एबिलिटी न्यूरॉन से आती है एनिमल्स में, एंड ये एक ऐसा अभागा एनिमल है, पॉरीफेरा, न्यूरॉन तक नहीं है इसमें, ये बात याद रखनी है। और तो इससे बहुत सारी चीज़ें छीनी गई हैं, इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, ये सेसाइल है, और कितनी चीज़ें नहीं है इसमें, परंतु न्यूरॉन ना होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आ जाओ इसके, अभी पॉरीफेरा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, एग्जाम्पल इसके तीन एग्जाम्पल दिए हुए, ये पहला एग्जाम्पल दिया है स्पॉन्जिला, गीला गीला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है, याद हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट, ये अपना प्यारा साइकॉन, साइफा, साइकॉन या साइफा, ये है इसका कोई और कुछ और नहीं नाम करने की जरूरत है। और अपने पास एक और अपने को एग्जांपल चाहिए इसका, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया का फोटो सबसे पहले देती हूँ मैं, ये वाला, ये रहा यू स्पॉन्जिया, ये जो बाथ स्पॉन्ज है, इनसे नहाते थे पहले लोग,
बादिंग के लिए यूज करते थे, बेदिंग के लिए यूज करते थे, दिस इज यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया इज अ मरीन स्पॉन्ज, ठीक है जी, इसको बेदिंग स्पॉन्ज लिख रही हूँ, बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, बेदिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स नीट में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ये तीन एग्जाम्पल लर्न करेंगे एनसीईआरटी के लिए, फिर चलिए नाइडेरिया पे बात करते हैं। अंकित बेटा, फीटस और एम्ब्रियो समय के हिसाब से है, ऑफ कोर्स 8 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो ही कहेंगे, फीटस नहीं कह सकते, क्योंकि 8 सेल जो स्टेज है बेटा जी, वो पहले 2 महीने में आ रही है, अचीव हो रही है। चलिए आगे बात कर रही हूँ, खत्म हो चुका है पॉरीफेरा, आइए चलते हैं नाइडेरिया पे। नाइडेरिया, सो दिस इज द सेकंड फाइल, दिस इज द सेकंड फाइल। अभी बहुत बुरा हुआ है पॉरीफेरा के साथ, क्यों, कुछ बेचारे से कुछ कुछ सब कुछ छीन लिया यार तुमने पॉरीफेरा से, कुछ है ही नहीं पॉरीफेरा के पास। अब नाइडेरिया ने थोड़ा सा कहा भैया ये नहीं चलेगा, सो नाइडेरिया थोड़ी सी एडवांस्ड है पॉरीफेरा से, ठीक है, तो नाइडेरिया ने ये कहा कि ये नहीं चलेगा, आई नीड सम सुपर पावर्स, व्हाट द हेल, पॉरीफेरा इज नॉट एबल टू मूव, पॉरीफेरा के पास न्यूरॉन्स नहीं है, पॉरीफेरा के सीलोम नहीं है, पॉरीफेरा के पास जर्म लेयर्स नहीं है, क्या है बकवास। तो नाइडेरिया ने कहा कि ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, कुछ तो मेरे पास नया होगा, मजेदार होगा, ठीक है। सो नाइडेरिया पहली बात तो पानी से बाहर ये भी नहीं निकल पाया, ठीक है, पानी के अंदर ही है सब कुछ, है ये पूरा एक्वाटिक। ठीक है, फ्रेश वाटर है या मरीन है, दोनों है, मोस्टली मरीन है, वही सिचुएशन है पॉरीफेरा वाली, फ्यू फ्रेश वाटर, ठीक है बच्चों जी, मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्यू फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, यहीं पे लिख देती हूं, हाइड्रा का। हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर नाइडेरियन, पहली बात तो हमें ये जाननी है नाइडेरिया के बारे में, ठीक है जी, पानी से बाहर नहीं आ पाए हैं, सब पानी में है। पानी का मतलब मरीन नहीं होता, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होता है। एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स तुमको अलग से पढ़ाऊंगी, जो सिर्फ समुद्र में मिलती हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलती, उस पर एक अलग से क्वेश्चन बनता है नीट का, अलग से पढ़ाऊंगी। एक मिनट, वाटर ब्रेक चाहिए मुझे। हाँ जी पूर्वा, क्या क्वेश्चन है बेटा, चेक कर रही हूँ तुम्हारा क्वेश्चन में, रुक जाओ। पूर्वा तुम्हारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, पूर्वा क्वेश्चन नहीं मिल रहा बेटा, दिस इज कॉपर वाटर बॉटल। कॉपर इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, अगर आप इसमें ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं स्टोर करेंगे, अगर आप इसमें नॉर्मल पानी अगर इसमें स्टोर करके पीते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके चलिए आगे बात करती हूँ। सो नाइडेरिया ने कहा कि यार पहले तो मुझे चलने की अनुमति दो, पॉरीफेरा में क्या था, कोई मूव ही नहीं कर रहा है, तो नाइडेरिया ने कहा भैया ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो चलना है, आई वॉन्ट टू मूव अराउंड इन द वॉटर, व्हाट द हेल, आई कैन नॉट बी एट वन प्लेस। सो नाइडेरिया की डिमांड पूरी तो नहीं मानी गई, नाइडेरिया में कुछ एनिमल्स चल सकते हैं, दे कैन नॉट वॉक तो ऑफ कोर्स प्रॉपरली नहीं, बट दे कैन स्विम, दे कैन मूव अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक दिस गाय हियर, व्हाट इज दिस, इट इज अ जेलीफिश, इट्स अ मून जेलीफिश, बहुत खतरनाक क्रिएचर है, ठीक है, ह्यूमंस को भी काट लेती है ये, ठीक है, इसको काटने का इसका राज बताऊंगी क्यों काटती है। सो सच क्रिएचर्स, अब तुमने जेलीफिश की मूवीज देखी है, जेलीफिश ऐसे करके आगे आगे तैरती है। सो सच क्रिएचर्स ऑफ नाइडेरिया फाइलम हु कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे इन जनरल आर कॉल्ड मेड्यूसा, मेड्यूसा, देयर बॉडी फॉर्म इज कॉल्ड मेड्यूसा,
मेड्यूसा इज अ कॉमन टर्म फॉर एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन यू नो स्विम. इट्स अ टर्म फॉर फ्री स्विमिंग नाइडेरियंस. जो नाइडेरियंस स्विम कर सकते हैं उनको मेड्यूसा के एक जनरल टर्म में रखेंगे. ठीक है, उसका एग्जाम्पल तुम लिखोगे जेलीफिश. जेलीफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? ऑरेलिया. ऑरेलिया कुर्तों का ब्रांड आता है ना, ऑरेलिया. ऑरेलिया, ठीक है. अब कुछ नाइडेरियंस मूव नहीं कर सकते, वो अभी भी वो पॉरीफेरा वाली ही जिंदगी जी रहे हैं कि जहां पे एक बार हैं वहीं पे ही लगे हुए हैं. दे आर नॉट एबल टू मूव. ऐसी जनता को, जैसे ये देख रहे हो दिस गाय हियर, दिस गाय इट इज अटैच्ड टू अ रॉक हियर नीचे. ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे इसके बहुत सारे जो फ्लावर जैसा दिख रहा है, ये बहुत जहरीले टेंटैकल्स हैं इसके. दिस गाय इज कॉल्ड सी एनिमनी. एंड ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, इट्स अ प्रीडेटर. ठीक है, कार्निवोरस होता है, ये दूसरों को पकड़ पकड़ के खाता है. ठीक है, मूव नहीं कर सकता पर फिर भी शिकार करता है. सी एनिमनी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैं भूल गई, एडैम्सिया. एडैम्सिया, ठीक है जी. सो ये मूव नहीं कर सकता, ये जहां पे पड़ा रहेगा. और हाइड्रा भी, हाइड्रा भी मूव नहीं कर सकता. हाइड्रा की तुमको फोटो दिखाती हूँ. सो वेयर इज हाइड्रा? दिस इज अ हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा. सो हाइड्रा जनरल में मूवमेंट नहीं करता, पर कभी कभी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर देता है. और जब मूवमेंट करता है बहुत फनी मूवमेंट करता है. हाइड्रा देखो कुछ ऐसा दिखता है. हाइड्रा इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो जब ये मूव करता है तो मतलब हम इसकी मूवमेंट को मूवमेंट नहीं मानते, बिकॉज इट रेयरली मूव्स. तो इसको भी सेसाइल एनिमल में ही मानते हैं. ऐसे ग्रुप ऑफ नाइडेरियंस जो कि मूव नहीं करते, चाहे थोड़ा बहुत की बात अलग है लेकिन मूव नहीं करते, इनको पॉलिप बोलते हैं. इनके पूरे ग्रुप को पॉलिप बोलते हैं. पॉलिप क्या बोलते हैं? पॉलिप. तो एक ग्रुप मैंने बताया मेड्यूसा, दूसरा ग्रुप मैं तुमको बता रही हूँ किसी और, उसमें लिखना पड़ेगा बच्चों. फर्स्ट ग्रुप इज मेड्यूसा, सेकेंड ग्रुप इज पॉलिप ग्रुप. पॉलिप ग्रुप का एग्जाम्पल एडैम्सिया, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा. समझ में आ गया? दो ग्रुप समझ में आ गए नाइडेरिया के, बोलिए. दो सिलेंट्रेटा, अंकित सिंह सिलेंट्रेटा भी यूज कर सकते हैं. देखिए बच्चों, पहली बात तो नाइडेरिया का एक और नाम सिलेंट्रेटा भी है, इसमें कोई शक नहीं है. सेलेंट्रेटा इज द सेम नेम, इज द सेम थिंग एज नाइडेरिया. एक्चुअली में नाइडेरिया से जो अगले वाली फाइलम है टीनोफोरा, तो टीनोफोरा और नाइडेरिया पहले इकट्ठे होते थे एक ही फाइलम में, जिसको सिलेंट्रेटा कहते थे. फिर सिलेंट्रेटा में हमें पता चला कि यार टीनोफोरा में तो बहुत ज़्यादा अलग सी चीज़ें हैं जो नाइडेरिया से मैच नहीं करती, तो नाइडेरिया टीनोफोरा को बाहर फेंक दिया. तो अब इस जो बची हुई फाइलम है उसको नाइडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं. ओके अंकित सिंह, गॉट योर आंसर? ओके, सेसाइल का मतलब क्या होता है? प्रशांत, अंगड़ी. जो एनिमल मूव नहीं कर सकता उसको सेसाइल कहते हैं. एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सेसाइल. ओके, नो नो नो, सेसाइल मींस नॉट मूविंग. जय पाठक बेटा गलत बोल रही है, आगे चलू. अच्छा, यही चीज जो मैंने बताई है मेड्यूसा और पॉलिप वाली, वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है. अब तुम देख पा रहे हो ये यहाँ पे क्या चीज है? दिस हियर, दिस हियर इज अ जेलीफिश विच इज मेड्यूसा. दिस हियर इज पॉलिप. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. क्या है ये? इट इज अ सी एनिमनी. इट इज, तो अच्छा, दिस इज अ सी एनिमनी, दिस इज अ जेलीफिश. अभी अपने को कुछ बेसिक बातें सीखनी है. इनका
पहली बात तो इनका नाम नाइडेरिया बताऊं या नहीं बताऊं, अभी रुक जाओ, पहले छोड़ो, पहले इनका बॉडी फॉर्म समझाती हूँ तुमको, ठीक है। जितने भी पॉलिप्स होते हैं उनका बेसिक बॉडी फॉर्म ये रहता है, ये वाला, ठीक है। मैं तुम्हें हाइड्रा का एग्जांपल बना के बताती हूँ कि बेसिक बॉडी फॉर्म क्या है नाइडेरिया का। इधर आओ देखो, हाइड्रा बना लूँ, दिस इज अ हाइड्रा, अभी बनाया था, पीछे भी दोबारा से बना रही हूँ, दिस इज द माउथ ऑफ हाइड्रा, ठीक है। यहाँ पे माउथ है ऊपर की साइड, ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है जो मैं ग्रीन में मार्क कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द हाइपोस्टोम, दिख रहा है प्रॉपरली? ये एनसीईआरटी में टर्म है तो आपको आनी चाहिए, लिख रही हूँ बेटा, दिस इज हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन ऑन टॉप पार्ट, एंटीरियर पार्ट, एंड दिस इज द माउथ ऑन विथ, मतलब हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है। आई होप दिस कलर इज प्रॉपरली विजिबल, यस, नो, नॉट वेरी प्रॉपरली, सो आई चेंज इट। यहां से हाइड्रा की एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है, यहां से, आई जस्ट टोल्ड यू, यहां से जाती है, इट गोज लाइक दिस, एंड वी थिंक कि यहां नीचे से ओपन होगी, पर ओपन नहीं होती, यहां से इट इज क्लोज्ड लाइक दिस। सो इट्स एलिमेंट्री कैनाल हैज जस्ट वन ओपनिंग, खाना खाने के लिए भी और पॉटी जाने के लिए भी एक ही ओपनिंग है। अब हमको लगता है एनस होना बहुत ही, मतलब हम अपने एनस की कितनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, मतलब गालियां देते हैं एनस के ऊपर बने हुए चीज़ों को। सो वी डोंट रियलाइज दैट एवरीबडी डज नॉट गेट एन एनस, दे हैव टू यूज देयर माउथ एज एन एनस, ओके। एंड हियर व्हाट यू थिंक आर फ्लावर्स आर एक्चुअली वेरी डेंजरस थिंग्स, दीज थिंग्स हियर, यू थिंक ओ हाउ ब्यूटिफुल दीज आर, these are the tentacles of hydra. See, हर polyp जो होगा, चाहे वो sea anemone हो चाहे वो hydra हो, उसका basic body form ये रहेगा। Basic body form क्या रहेगा? यहाँ पे mouth, यहाँ पे body wall, यहाँ पे अंदर this cavity and there is tentacle. Basic body form ये रहेगा। So अभी मैं थोड़ा थोड़ा mark कर रही हूँ इसको, जो important चीज़ें हैं, these are tentacles, ठीक है, this is body wall. Now it has an elementary canal, this cavity is used for digestion of food, so it is an elementary canal. I call it the gastrovascular cavity. Okay, gastrovascular cavity. Now ab cnidaria ka naam cnidaria kyu hai ab tumhe pata chalega. इसके ये जो खूबसूरत टेंटेकल्स हैं, ब्यूटिफुली लेड अराउंड, दे हैव वेरी डेंजरस सेल्स अलोंग विद देयर टेंटेकल्स, अलोंग देयर टेंटेकल्स हियर, वेरी वेरी डेंजरस सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स, दे कैन रिलीज पॉइजन लाइक एनीथिंग, दीज सेल्स आर कॉल्ड नाइडोब्लास्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है जी। इन नाइडोब्लास्ट की वजह से पूरी फाइलम का नाम नाइडेरिया पड़ा है। सो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर समझ गए आप इसका, पॉलिप का। अगर मैं सी एनीमोनि बनाऊ एग्जैक्टली ऐसे बना सकते हो तुम, सी एनीमोनि बनाओ एक बार, बना के बताती हूँ तुम्हें। अगर सी एनीमोनि बनाना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बॉडी फॉर्म चेंज कर दो, दिस इज अ सी एनीमोनि, ठीक है। हियर इज द माउथ ऑफ सी एनीमोनि, हियर इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सी एनीमोनि, हियर आर द टेंटेकल्स ऑफ द सी एनीमोनि। बेसिक बॉडी फॉर्म तो यही है ना, बेसिक बॉडी फॉर्म तो वही है ना, ये दिस इज अडैम्सिया, ओके। नाउ लेट्स सी द सेकेंड फॉर्म, मेड्यूसा। मेड्यूसा की जो बेसिक बॉडी फॉर्म है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। बनाए मेड्यूसा की बॉडी फॉर्म बनाए बच्चों, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गुड क्वेश्चन। साथी घोष पूछ रहा है कि इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहते हैं, दो शब्दों से बना हुआ है बेटा, गैस्ट्रो एंड वेस्कुलर। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, मतलब डाइजेशन का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन होती है इसलिए इसका नाम गैस्ट्रो से है। वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब है जैसे हम ब्लड वेसल्स को, वेस्कुलर टर्म ब्लड वेसल्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है। सो वेस्कुलर टर्म इज फॉर सर्कुलेशन, क्योंकि इस एनिमल के पास अपना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, कोई ब्लड तो है नहीं, कोई कुछ है तो है नहीं,
तो यहीं पे ही चीज़ें, यहीं से ही सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, जैसे कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, या जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज है। सो सर्कुलेशन के लिए अलग से कोई मीडियम नहीं है, तो इसी से थोड़ी बहुत सर्कुलेशन हो जाती है, इसका नाम, इसलिए इसका नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। एम आई क्लियर? वेनी वी, हाइड्रा बहुत ही छोटा होता है बेटा। वेनी वी मुझसे पूछ रही है कि मैम हाइड्रा अटैक कर सकता है क्या ह्यूमंस पे? हाइड्रा पता कितना होता है? इत्तू सा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हाइड्रा, हालांकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट आई डोंट थिंक हाइड्रा कैन अटैक अ ह्यूमन बींग बिकॉज इट्स वेरी वेरी लिटिल, छोटू नीनू। बट जेली फिश भी आपके ऊपर अटैक नहीं करती हैं, ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करती हैं। एक्चुअली ह्यूमन जाके जेली फिश के बीच में उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन समुद्र में तैर रहा है, जेली फिश भी समुद्र में है, तो उसके टेंटैकल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाता है ह्यूमन बींग, तब उसको स्टिंग करती हैं जेली फिश। हाइपोस्टोम क्या है? देखो बेटा, हाइपोस्टोम कुछ नहीं है, देखो यहाँ बना रही हूँ, ये हाइड्रा है ना, हाइड्रा के ऊपर ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है, देर इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन, ये जो येलो में बनाई है, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। उसके हाइपोस्टोम के टॉप पे यहाँ पे एक छेद है जिसको माउथ बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? अंकित सिंह बताती हूँ बेटा, अभी सेक्सुअल एसेक्सुअल वाली बात करेंगे अभी, ठीक है, आगे बात कर रही हूँ, चलो। अच्छा जी, अब मेड्यूसा का बॉडी फॉर्म बता रही हूँ, जनरल बॉडी फॉर्म मेड्यूसा का कैसा होता है हाइड्रा से अलग, सॉरी इससे पॉलिप से अलग, ठीक है। अभी पहले इसको नोट तुमने कर लिया हो तो प्लीज इसको मैं मिटाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेड्यूसा बनाना है। आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यस यस। चलो, आई वॉन्ट टू मूव फर्दर। नाउ इफ यू वॉन्ट टू मेक अ मेड्यूसा बॉडी फॉर्म, व्हाट यू डू, यू टेक अ पॉलिप फॉर्म एंड यू इन्वर्ट इट, यू इन्वर्ट इट। जैसे ही तुम ये इन्वर्ट करते हो पॉलिप फॉर्म का, ये जो माउथ है, ये माउथ नीचे की साइड आ गया, सो द माउथ इज हियर नाउ, ठीक है। देन ये जो बॉडी कैविटी है, ओके, आई नीड दिस, माउथ ऊपर था पॉलिप का और जो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है नीचे है, इधर आओ, इसको उल्टा कर दिया, अब माउथ नीचे है और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ऊपर है, ठीक है, और टेंटैकल्स नीचे हैं, ऐसे इसके टेंटैकल्स ऊपर थे, बस पॉलिप को उल्टा कर दो तो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म बन जाएगा, मैं बना के बता रही हूं, ठीक है। ये देखो, लेट मी मेक अ जेली फिश फॉर यू, जेली फिश, जैसे तुमने हाइड्रा को उल्टा किया, मान लो ये हाइड्रा है, दिस इज हाइड्रा, है ना। अब क्या है, ये जो पूरी बॉडी है इसको थोड़ा पतला कर दो, यहाँ से इसको, ये जो इतना पीछे उठा हुआ है इसको थोड़ा छोटा कर दो और थोड़ा सा फ्लैट कर दो, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस, लाइक एन अम्ब्रेला, लाइक दिस, ओके। एंड हियर ये जो हाइपोस्टोम था इसका, तो इसका यहाँ पे कॉनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे, एंड हियर इज द माउथ, ओके, एंड यहाँ पे ये मान लो, सपोज दिस इज दी कॉनिकल प्रोजेक्शन, और इसके अंदर यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे जाके ब्लाइंड सैक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, एंड हियर आर द टेंटैकल्स, ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ टेंटैकल्स, लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड। मेड्यूसास कैन स्विम एंड दे आर इन्वर्टेड पॉलिप्स टू लुक एट, देयर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज अप, सो अगर मैं इसका लेबलिंग करूं, हियर इज देयर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, यस और नो, दीज आर द टेंटैकल्स, दिस इज द माउथ, सो इट इज जस्ट द इन्वर्टेड पॉलिप, आर वी डन हियर, Why am I not seeing your chats? Why? हाँ जी, चल रही हूँ बेटा, आगे बात करते हैं, ठीक है। हाइपोस्टोम का कोई एज सच काम नहीं है बेटा, अब हाइपोस्टोम का एज सच कोई मुझे काम नहीं पता है, बस इट इज एन एलिवेटेड पोर्शन जिसके ऊपर माउथ लोकेटेड है, ओके, चलिए आगे चल रही हूँ। अब आगे मुझे तुमको थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैं जो तुम्हें हाइड्रा का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कराना है, या पहले इस फाइलम की कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हाइड्रा का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है।
ओके, आई नीड सम स्पेस. लेट्स टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ नाइट एरिया. मर जाऊंगी एक दिन मैं छींके मार के. बच्चों, बेसिक्स ऑफ नाइट एरिया, अपने को बेसिक बेसिक बातें पता है, चलो लिखते चलेंगे. अब बात करेंगे सिमेट्री से. अभी बात हुई थी कौन सी सिमेट्री है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ तो कौन सी सिमेट्री है. रेडियल सिमेट्री है इनके पास. रेडियल सिमेट्री वाली तीन फाइलम्स हैं जो हमको लर्न करनी है. कौन कौन सी बेटा जी, बोलिए. रेडियल घुमावदार सिमेट्री किस किस में है. नाइडेरिया इज द फर्स्ट फाइलम विच हैज द रेडियल सिमेट्री. उसके बाद इससे अगली फाइलम टीनोफोरा, फिर उससे आगे बहुत आगे जाके फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ओके, सो ये तीन फाइलम्स है जो रेडियली सिमेट्रिकल है, ये अपने को याद रखनी है. अगर मैं उससे अगली बात करूं, कौन सी बात करूं बटो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तुमको पता है इनमें टिश्यूज बन जाते हैं. पॉरीफेरा तो कतई गंद था ना, वहां तो मतलब पूछो ही मत, टिश्यू भी नहीं बन रहा था. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था पॉरीफेरा में, इसमें टिश्यू बन रहे हैं जुड़ जुड़ के. सो इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन नहीं बन पा रहा है. ठीक है, देन अगला बॉडी प्लान. अभी देखा हमने इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. अगर बात करूं जर्म लेयर्स की, बोलिए. पहली बार जर्म लेयर्स बनी है एनिमल किंगडम में. अभी तक तो जर्म लेयर्स थी भी नहीं, पॉरीफेरा के पास तो जर्म लेयर्स थी भी नहीं. ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द एनिमल किंगडम दे हैव अ जर्म लेयर, नॉट अ जर्म लेयर, दे हैव टू जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक. ऐसा है बच्चों, जिसको ये बातें लर्न नहीं है ना, ये बातें लर्न कर लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा. एनिमल किंगडम में ये तो आएंगी ही आएंगी, बार बार पूछती रहूंगी, बार 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 बार, जब तक लर्न नहीं हो जाती. ठीक है, और उसके बाद हम आखिरी बात क्या कर रहे हैं, सीलोम. सीलोम आया क्या? अच्छा, मुझे बताओ सीलोम क्या होता है. इट इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल. अभी देखते हैं, अभी अपन ने हाइड्रा बनाया या कुछ भी बना लिया, चलो यहाँ यहाँ देखते हैं. हाइड्रा दोबारा बना लेते हैं. ये हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा है, ये एलिमेंट्री कैनाल है. अच्छा मुझे बताओ, दिस इज द बॉडी वॉल. ये जो लाइनों वाली है ये है बॉडी वॉल. बॉडी की वॉल है, बिल्कुल सही कह रही हूँ. एंड दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, दिस रेड कलर में जो मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, है ना. एग्री करते हो इस बात से, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल. बताओ तो कैविटी कहाँ है, बॉडी कैविटी है क्या, एलिमेंट्री कैनाल. दोबारा सुनो, एलिमेंट बॉडी कैविटी इज द कैविटी, सीलोम इज द कैविटी बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल. क्या कोई जगह है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, कोई स्पेस है क्या? देयर इज नो स्पेस. बॉडी वॉल से बिल्कुल चिपकी हुई है एलिमेंट्री कैनाल. जब स्पेस ही नहीं हुआ तो सीलोम होने का कोई मतलब ही नहीं है. ए सीलोमेट, समझ गए. अच्छा, इनमें एक बहुत बड़ा जंप ये आया है, पहली बार नाइडेरिया में मूवमेंट आ गई. पॉरीफेरा तो मूव ही नहीं कर रहे थे बेचारे, है ना. सो सम नाइडेरियंस कैन मूव. एक और जंप ये आ रहा है, फर्स्ट न्यूरॉन्स ऑफ एनिमल किंगडम. पहली बार न्यूरॉन आया है एनिमल किंगडम में, ये बात अपने को याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट. ये इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट हो जाएगी बच्चों जी, बोलिए, बोलो बोलो बोलो. सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा पूर्वा, गुड क्वेश्चन. सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या बताया था, देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्रिमिटिव एनिमल्स. फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम केम इन एनलिडा. एनलिडा में पहली बार जाके आएगा, बोलिए, याद आया. टिश्यू लेवल को टिश्यू लेवल बोलते हैं, जय पाठक. बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एस्केल्मेंथी से पहले सारे एसिलोमेट है. वेरी गुड 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 गुड. ओके, सो नाउ
प्रीतम बिल्कुल बॉटनी पढ़ाऊंगी बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल बॉटनी पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अभी मुझे तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी ये फाइलम शुरू हुई है, ठीक है, तो मुझे तुमको कराना है एक तो जो जो इनके स्टिंगिंग सेल्स है उनका स्ट्रक्चर कराना है, फिर मुझे तुम्हें पूरी हाइड्रा की बॉडी का स्ट्रक्चर कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसमें बताऊंगी, कुछ कुछ सेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी लोकेशन क्या है, उनका नाम क्या है, हम वो पढ़ेंगे। उसके अलावा मुझे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत सारा कंटेंट अभी इस फाइलम में बचा हुआ है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सो क्लासेस मिस नहीं करनी है, जो भी बच्चा एक भी क्लास मिस करता है उसका फ्लो टूट जाता है बेटा, तो तुम्हें अगली बात कैसे समझ में आएगी। सब लोग टाइम पे प्रेजेंट होंगे क्लास में, अगर 4 बजे क्लास शुरू हो जाती है तो 4 बजे आप लोग प्रेजेंट होंगे, वैसे कभी कभी मैं ही लेट कर देती हूँ, 1-2 मिनट पीछे मेरा ही खुद हो जाता है, लेकिन तुम लोग टाइम पे आने प्रेजेंट होने चाहिए, और मैं भी कोशिश करूंगी 4:15 बजे आपकी क्लास यहाँ पे शुरू कर दूँ, ठीक है। देन अभी मैं इस पे वर्क कर रही हूँ आइडिया पे, हर क्लास के बाद मैं चाहती हूँ तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस दूँ ताकि तुम उस क्लास से रिलेटेड कंटेंट्स तुम्हारे रिवाइज हो जाए और मुझे पता चल जाए कि तुम्हें कितना आया है क्लास में। सो वो क्वेश्चंस उसी क्लास में से होंगे जो क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। देन अगर तुम इसी तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो और क्रैश कोर्स यदि करना चाहते हो, क्रैश कोर्स में मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ बायोलॉजी का क्रैश कोर्स ना हो के आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स दो सब कुछ इकट्ठा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। नवंबर अराउंड 27-28 नवंबर से मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ, फाइनली अपनी सीट्स बुक कर लीजिए, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इस कोड के साथ। जैसे ही आप ये ऋतु लाइव कोड डालते हैं, चाहे आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ये कोड डालेंगे ताकि मैं आपको 10% ऑफ दे सकूं आपकी फीस पे, साथ में ही मैं आपको नोट्स दे सकूं अपने, साथ में ही आपको क्रैश कोर्स में सीट मिल जाए। अगर आपको आप क्रैश कोर्स मेरे साथ करते हो तो बायोलॉजी तुम्हारी इतनी ज़्यादा परसेंटेज इम्प्रूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा बेटा, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि बायोलॉजी इतनी कैसे इम्प्रूव होगी मेरे इतने कम समय में, ठीक है। इन सभी के लिए कोड यूज़ करेंगे और नवंबर में एडमिशन ले लेंगे, जिसका पहले एडमिशन आ गया, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 50 स्टूडेंट्स, जिसका पहले एडमिशन आएगा उसको ही क्रैश कोर्स में जगह दे पाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे खचपच मचाते हैं, मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, ठीक है। वीडियो लाइक करेंगे अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे सो दैट यू गेट ऑल माय नोटिफिकेशंस। एंड 6 बजे आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कि तुम कॉमनली क्या गलतियाँ कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स हैं, बहुत सारे बच्चे डबल ड्रॉपर्स हैं, बहुत सारे बच्चे प्लस टू में हैं लेकिन आसपास भी नहीं है अपने गोल के, बहुत सारे बच्चे प्लस वन में हैं लेकिन लॉस्ट हैं, कि हम गलत क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, अगली क्लास में बताऊंगी, 6 बजे वाली क्लास में बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्यों कुछ बच्चे नीट क्लियर करेंगे और क्यों कुछ बच्चे रह जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू। ऑल्सो एक स्पेशल क्लास का बैच शुरू कर रही हूँ बेटा मैं, अगले 10 दिन के लिए मैं आपको रोज़ एक स्पेशल क्लास देने चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को एक तो जो क्रैश कोर्स कैसा होगा आपको वो आइडिया लग जाएगा। स्पेशल क्लासेस क्या है, प्लस की क्लासेस होती हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स कैसा होगा आपको वो आइडिया लग जाएगा, प्लस आपको कुछ वहाँ से नॉलेज और आपका कुछ चैप्टर मैं वहाँ पे कवर कर पाऊँगी, ठीक है। सो आई विल सी यू, थैंक यू सो मच।